नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे यामा R15 V3 BS6 मॉडल के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1,73,990 रुपीज से 1,76,290 ऑन रोड रायपुर। बाकी आप अपनी सिटी की प्राइस अपने नज़दीकी डीलरशिप से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं एंड बाकी की डिटेल्स भी ले सकते हैं। इसमें 3 कलर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें थंडर ग्रे, रेसिंग ब्लू, डार्क नाइट। आपको कौन सा कलर पसंद है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। R15 V3 देखा जाए तो 150cc में काफ़ी पॉपुलर बाइक है। रीज़न है 150cc होने के बावजूद इसका पावर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इसमें इस बाइक में पावर डिलीवरी इतनी अच्छी मिल जाती है जो कि आपको 150cc की किसी और बाइक में देखने को नहीं मिलती है। कारण है VVA यानी वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। तो थोड़ी बात इसके बारे में कर लेते हैं। तो ये आखिर वर्क कैसे करता है देखा जाए तो ये वर्क करता है रॉकर कैमशाफ्ट एंड एक्चुएटर के कॉम्बिनेशन पर। जब ये लो RPM पे यानी लो स्पीड पे होता है तो जो इसका कैम प्रोफाइल है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रॉकर उस पर स्लाइड करता है। अगर मैं इसकी कैम शाफ्ट को दिखाऊं तो इसमें आपको 3 प्रोफाइल देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इंटेक के लिए, थर्ड वाला एग्जॉस्ट के लिए। फर्स्ट वाला लो RPM पे वर्क करता है जिसमें इंटेक वेल्व की ओपनिंग कम होती है। अगर आप यहाँ पर सेकेंड कैम प्रोफाइल को देखते हैं तो यहाँ पर इंटेक वेल्व की ओपनिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जिससे रिच मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इंजन को मिलता है, जिससे पावर काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है इसमें। इस बाइक में जो पावर मिलती है वो दम नहीं तोड़ती है हाई स्पीड में, जिससे आपको हाई स्पीड में पावर एंड टॉर्क में लैग देखने को नहीं मिलता है। बात करें इसके फर्स्ट जनरेशन के बारे में तो फर्स्ट जनरेशन कुछ ऐसा दिखता है, सेकेंड जनरेशन कुछ ऐसा दिखता है एंड थर्ड जनरेशन अभी आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिटेल वॉक अराउंड से। इसमें ट्रांसपेरेंट वाइजर मिल जाती है, लेकिन आप चाहें तो आफ्टर मार्केट वाइजर भी लगा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पर है नंबर प्लेट की स्पेस। बॉडी इंटीग्रेटेड मिरर मिल जाती है लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ, जब आप इस बाइक को रेडी कराएंगे तो डीलरशिप से आपको लगा कर दे देंगे। और यहाँ पर है R15 की ब्रांडिंग, LED DRL, LED हेडलैम्प मिल जाती है इसमें। और ऐसा दिखता है इसका फ्रंट का मडगार्ड। फ्रंट सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं इसमें। फ्रंट में सिंगल डिस्क है, 282mm की डिस्क प्लेट है, बाबेर के डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ में। सेफ्टी में डुअल चैनल ABS मिल जाती है इसमें। 100x80 सेक्शन के टायर है, 17 इंच के मल्टी स्पोक एलॉय व्हील में, ब्लू कलर के एलॉय व्हील मिल जाते हैं इसमें। और ऐसी दिखती है R15 की टैंक यहाँ से। मस्कुलर एंड एग्रेसिव टैंक डिजाइन है बाइक का। थाई सपोर्ट एंड ग्रिप काफी अच्छी मिल जाती है इसमें। 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। यामाहा का लोगो है यहाँ पर। ऊपर में प्लास्टिक बॉडी शेल है, नीचे में स्टील बॉडी टैंक मिल जाती है इसमें। R15 की ब्रांडिंग यहाँ पर भी मिल जाती है। एयर वेंट डिजाइन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। R15 वर्जन 3.0 की ब्रांडिंग, VVA वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन की ब्रांडिंग। इंडिकेटर इसमें बल्ब टाइप में मिलती है, लेकिन अगर ये LED में होता तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। और यहां नीचे में मिल जाती है यामाहा की ब्रांडिंग। कूलेंट बॉटल भी अगर आप देखेंगे तो यहीं पर नजर आ जाएगा। राइट साइड में इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट की स्विच है, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ब्लैकआउट फिनिश में ब्रेक एंड क्लच लीवर, क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाती है R15 में। और ऐसी दिखती है R15 की। काफी अच्छा डैशबोर्ड मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें पूरा डिजिटल में मिल जाता है। इसमें RPM, स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल मीटर, ओडोमीटर की मेन रीडिंग, ट्रिप मीटर, रियल टाइम, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, VVA इंडिकेटर मिल जाता है। साइड्स में लाइट की बात करें तो इंजन माल फंक्शन लाइट, ABS की लाइट, न्यूट्रल लाइट, हाई बीम की लाइट, RPM लिमिट लाइट, इंडिकेटर की इंडिकेशन की लाइट, वार्निंग की लाइट मिल जाती है इसमें। लेफ्ट साइड में हॉर्न, इंडिकेटर, लो हाई बीम पासिंग की स्विच इंटीग्रेटेड मिल जाती है इसमें। डुअल हॉर्न मिल जाती है इसमें और इसकी प्लेसमेंट यहां पर की गई है। और ऐसा दिखता है R15 का रेडिएटर।
R15 को पावर मिलती है 155cc सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वाल्व लिक्विड कूल्ड SI फ्यूल इंजेक्शन मोटर से, जो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर 18.6 PS एट 10,000 RPM पे एंड मैक्सिमम टॉर्क 14.1 Nm टॉर्क एट 8,500 RPM पे। इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्ट्रिप ऑप्शन मिलता है इसमें, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, क्लच टाइप स्लीपर क्लच मिल जाती है इसमें, ट्रांसमिशन टाइप कैन ड्राइव है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो 40-45 km तक की माइलेज मिल जाती है, 460 किलोमीटर की फुल टैंक रेंज है, 136 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है R15 की। डायमेंशंस की बात करें तो कर वेट 142 kg का है, 1990 mm लेंथ है, 725 mm वेट, 1135 mm हाइट है, 1325 mm व्हील बेस, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि ठीक है। इंडियन रोड ब्रेकर एंड बम को काफी इजिली क्रॉस कर सकती है बाइक। चैसी में डेल्टा बॉक्स फ्रेम मिल जाती है इसमें। साइड स्टैंड का सिर्फ ऑप्शन मिलता है इसमें, साइड स्टैंड कट ऑफ भी मिल जाती है इसमें, और ऐसा दिखता है इसका सारी गार्ड। ओपन चैन कवर है, चैन को आपको हर 400 किलोमीटर पर क्लीन एंड ल्यूब करना होगा। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है, और ऐसा दिखता है इसका साइड बॉडी पैनल। R15 V3 में स्प्लिट सीट मिलती है, कुशनिंग की बात की जाए तो ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। 815 mm की सीट हाइट है, अगर आपकी हाइट 5.5 भी है तब भी आप इसको इजिली चला सकते हैं। काफी अच्छा वर्क एंड फिनिश देखने को मिल जाता है इसमें। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ग्राफिक वर्क नजर आ जाएगा इसके बैक बॉडी पैनल पर। IS की सीट को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर मिल जाती है की स्लॉट की स्पेस, और ऐसा दिखता है इसका सीट के नीचे का नजारा, बाकी आप देख सकते हैं। और यहां पर मिल जाती है ग्रिल, किक का ऑप्शन नहीं मिलता इसमें, और यहां पर है O2 सेंसर, कैटलेटिक कन्वर्टर, फेक कार्बन फाइबर टेक्सचर देखने को मिल जाएगा यहां पर, और ऐसा दिखता है इसका एग्जॉस्ट, काफी स्पोर्टी एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है इसमें। आइए सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। रियर सस्पेंशन में मोनोशॉक एब्जॉर्बर है, रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलती है, 220 mm की डिस्क प्लेट है निसिन के सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में, 140/70 सेक्शन के टायर है, 17 इंच के अलॉय व्हील में, फ्रंट एंड रियर दोनों में ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं इसमें, व्हाइट टायर है जिससे आप हल्की फुल्की कॉर्नरिंग भी कर सकते हैं इसमें, और ये इसका रियर टायर हगर। और ऐसा डिजाइन है इसके टेल लैंप का, ये भी LED में मिल जाती है। टेल टैडी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया जिससे बाइक देखने में काफी स्पोर्टी दिखती है, और ये इसका रियर इंडिकेटर सेम फ्रंट जैसा, नंबर प्लेट की लाइट, रेड रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट की स्पेस, ऑरेंज रिफ्लेक्टर, और ऐसा दिखता है इसका रियर व्यू। रियर से भी अगर आप इस बाइक को देखते हैं तो काफी बल्की एंड हैवी दिखती है। 2 ईयर स्टैंडर्ड प्लस 3 ईयर एक्सटेंडेड कवरेज और 40,000 किलोमीटर की इंजन वारंटी मिल जाती है इसमें, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होंगे, 5 फ्री सर्विस के साथ में। तो ये बात इसके डिटेल वॉक अराउंड की, तो अब बातें कुछ आपके काम की। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बाइक उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगी, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। डेली कम्यूटिंग ऑफिस कॉलेज के लिए अगर आप इस बाइक को यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसमें माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 42-45 km तक की। राइडिंग पर्पस के लिए अगर देखा जाए तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पहले से यूज़ कर रहे हैं तभी आप इसको राइड पर लेके जाए, क्योंकि जो इसकी राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ी सी अग्रेसिव है, बैक पेन और हैंड पेन होता ही है, लॉन्ग राइड में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो अगर आप इसको लॉन्ग राइड पर लेके जाना चाहते हैं तो पहले आप इसके साथ यूज टू हो जाइए, फिर उसके बाद इसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं।
बाकी ये बाइक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस बाइक को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन है तो भी आप हमसे जरूर शेयर करें। टेस्ट राइड, EMI, एक्सचेंज एंड अदर क्वेरीज के लिए आप RC यामाहा पंडरी से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, IDs यहाँ पे फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो गाइस, मिलते फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।